हेलो गाइस, व्हाट्सअप। मैं हूँ मोदी ब्रेम कबीर और आज वो देख रहे हैं ब्रेम कबीर ब्लॉग। तो आज मैं जा रहा हूँ स्काउट की पैकिंग पैकअप पे। पैकअप से मेरा मतलब है कि मैं जब कल आया था गुजरा वाले, ठीक है। तो वो कल का व्लॉग जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे, उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जब मैं आया था उससे एक दिन पहले स्काउट ख़त्म हो चुके थे। स्काउट्स वो उनका मतलब स्काउट्स है कि वो बच्चों को सिखाते हैं कि क्या वो मतलब बच्चों का वो देखते हैं कि क्या बच्चों को अपने माँ बाप जब अपने माँ बाप से अलग होते हैं तो क्या उनको सर्वाइव करना आता है, उनको खाना बनाना आता है, उनको रहना आता है। तो वो उनकी इंक्रीज़ करने के लिए, ये नॉलेज इंक्रीज़ करने के लिए तो वो ये सारा करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में कहा तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम बताऊँगा किस तरह होता है। तो अब हम उनके साथ चलेंगे, पहले कपड़े चेंज कर लेंगे। तो गाइस अब हम लोग निकल चुके हैं, ठीक है, मोटर बाइक पर निकले हैं। ये मेरे भाई मोटर बाइक चला रहे हैं। तो अब जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो मैं आपको अपडेट करूँगा। तो अभी मैं रास्ते को समझ नहीं आ रहा है तो हम भाई से पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। ये एजुकेटर कहाँ है? अच्छा, आगे आगे। तो चलेंगे गाइस, जब हम आगे चलेंगे उन्होंने बताया कि आगे है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो गाइस अब हम लोग पहुंच गए हैं स्काउट्स का पैकअप। तो यहाँ पे सारा लगा हुआ था स्काउट्स। तो चलें अब आगे, हम आपको जाके बताते हैं। ये सारे टेंट लगे हुए हैं, देख सकते हैं दो तरफ टेंट लगे हुए हैं। सर मैं स्कूल के गार्डन में स्काउट था, तो चलें हम इसको पैकअप करते हैं, निकालना शुरू करते हैं। तो चलें करते हैं। तो मतलब इन सारी कैंपिंग का अभी क्या मकसद है, आप क्या मतलब शो करना चाह रहे हैं? असल में ये लेफ्टिनेंट जनरल था लॉर्ड स्मिथ बर्टन पावल, ये बॉय स्काउट तहरीक उसने शुरू की थी। ये इसका जो हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, इसका स्काउट वर्ल्ड स्काउट ब्यूरो का हेडक्वार्टर है। उन्होंने 1907 में कीनिया में इन स्काउट बच्चों का कैंप लगाया था। और बच्चों की असल में बुनियादी तौर पर जहनी, जिस्मानी और रूहानी नशोनुमा करना इसका मकसद है। और एक बच्चा घर में रहकर कोई काम करना नहीं आता उसे, उसकी एक लाइफ को, ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए वो जब जंगल में अपने माँ बाप से दूर होकर जब अपनी ज़िंदगी गुजारता है, क्या उसे चाय बनानी आती है, क्या वो उसे बेडिंग करनी मतलब आती है, मतलब सर्वाइवर टाइप वो सर्वाइवर टाइप करता है। तो उसमें सब कुछ वो ये चीज़ों को लर्न करता है, देखता है कि हमने जंगल में या किसी बाहर जाने के ट्रैवलिंग की शक्ल में कैसे ज़िंदगी गुजारनी। तो ये सारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे हम बच्चों को सिखाते हैं और बच्चे सीखते हैं। इसके अलावा जो हमारे टीचर हैं यूनिवर्सिटी से स्कूल तक के जो टीचर हैं उनको भी हम ट्रेन करते हैं और फिर वो बच्चों को ट्रेन करते हैं, बच्चों को लेकर मुख्तलिफ फॉरेन कंट्री में भी जाते हैं। और पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड स्काउट ब्यूरो है वो कंट्रोल करता है, हमारे पाकिस्तान में इस्लामाबाद में इसका हेडक्वार्टर, नेशनल बॉयज हेडक्वार्टर, और हमारा सूबाई हेडक्वार्टर जो है वो वाल्टन लाहौर में है जी। तो गुजरांवाले में मैं बतौर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी और डिवीजन लेवल पे मैं अच्छा। काम करता हूँ। ये सब चीज़ें जितनी भी हैं असल में बच्चों की नशोनुमा के लिए हैं और बच्चे इससे सीखते हैं माँ बाप की अदम मौजूदगी में क्या क्या वो करते हैं, ये सब चीज़ें हम उनको बताते हैं। इसके अलावा बच्चों की ये जो ज़हनी रूहानी नशोनुमा है और एक अच्छा और शहरी भी बना देते हैं और एक अच्छा मुसलमान भी उसे बना देते हैं। थैंक यू वेरी मच। मास्क उतारा है क्योंकि मेरी आवाज़ नहीं कैमरे में ठीक आ रही थी। तो अभी मैं स्टैंड के अंदर जाऊँगा, आपको दिखाऊँगा कि मतलब क्या किस तरह अंदर से पूरा टेंट है। तो ये इसका सारा अंदर का मतलब एरिया, इसमें कुछ इसमें स्लीपिंग बैग्स भी आप यूज़ करते हैं। अभी तो पानी आ गया है क्योंकि बारिश हुई थी कुछ देर पहले, इधर इधर सारा पानी से बराबर। जंगलों में जारी बात है अगर कोई खतरा होता है तो आप इसको ज़िप भी कर सकते हैं, अनज़िप और ज़िप भी होता है। तो इसमें आप स्लीपिंग बैग्स भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप एज अ कैंपिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कंपार्टमेंट है कुछ भी चीज़ें रखने के लिए।
तो जो उनका मेन मकसद है वो ऑर्गेनाइजेशन का मेन स्काउट्स का मेन जो पर्पस है वो है कि बच्चों को सर्वाइवल सिखाना कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ अगर आप गुम जाते हो या कुछ भी होता है आपको अगर आप अलग हो जाते हो तो आपको सर्वाइव किस आना चाहिए किस तरह आपने करना है तो वो ये लोग सिखाते हैं। मैंने सैंपल मतलब उतार दिया सारे टेंट्स को पैक कर रहे हैं तो अभी हम उस टेंट को अनअसेंबल करेंगे देखो की लगे अंदर इसका उस तरह अगर खींचे जाएँ तो ये उस तरह ये बाहर निकला है ठीक है। अब हम इस साइड पे भी सेम ही करेंगे तो ये रात पे क्लिप है जिस रात को स्काउट चल रहा था ये उस रात की क्लिप है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह एंजॉय हो रहा है डांस हो रहे हैं तो ये देखें आप ये सारे इधर हो रहे थे।